किसानों के हर चीज का दाम पिछले 8 सालों में दुगना हो गया, हर चीज का जो किसान उपयोग कर रहा है और जो वो पैदा कर रहा है उसका क्या दुगना जो कीमत बोला था सरकार ने किया नहीं किया। 6000 रुपया देती है साल में और कितने 6000 ले लेती है। किसान को 6000 रुपया जो देते हैं पीएम मोदी साहब, जिसका बहुत गुणगान करते हैं, उसमें बीमा भी देते हैं ऐसा कहते हैं। तो सही, बीमा का प्रीमियम कौन भरता है? किसान भरता है ना। और जब वो कहते हैं कि आपको और मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? जब बीज कंपनियों ने कहा कि हम बीज आपको दे रहे हैं, अब बीज मान लिया खराब मिल गया, किसान का वो उत्पादन नहीं हुआ, तो बीमा कंपनियों ने कहा कि जी बीज का हम रसीद नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे रसीद? आदमी और औरत का भी खून टेस्ट अलग अलग नहीं होता कि आपका खून अलग हमारा खून अलग? उसमें रिपोर्ट में दो ही आएगा। किसान कौन है? खेती पे जो काम करे, ठीक है। अब खेती पे जो काम कर रहा है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने उपज का मूल्य तय करे, मार्केट तय करता है मूल्य, ठीक है। तो उसको कैसे लाभ होगा? अगर आप दिन में काम करते हो, दिन भर काम करते हो, तो आपकी मजदूरी तय करने का हक किसको होना चाहिए? आपको भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई उत्पादन करते हो तो उसका हक किसको मिलता है? जो भी उत्पादक करता है वही हक लेता है ना तय करने का। 5 रुपये का बिस्कुट आता है, ठीक है, उसका MRP कौन तय करता है? फैक्ट्री मालिक तय करता है। तो किसान क्यों नहीं तय कर पाता है? अब आप बोलो कि सब्सिडी हम देते हैं, सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी किस बात पर देती है? किसानों के हर चीज का दाम पिछले 8 सालों में दुगना हो गया, हर चीज का जो किसान उपयोग कर रहा है और जो वो पैदा कर रहा है उसका क्या दुगना जो कीमत बोला था सरकार ने किया नहीं किया? अगर किया है तो आप बताए ना कैसे किया है। जो 2014 में गेहूं का दाम 1400 रुपया था तो उसका दाम 2800 होना चाहिए और 28 से भी ज़्यादा, क्योंकि दुगना होना ना, तो उसका लागत भी तो बढ़ा दिया आपने, तो उसका दाम होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में दाम क्या है? 2100 रुपया। तो कैसे दुगना हुआ? बातों से दुगना हुआ। स्लोगन दिया तो दुगना हो गया क्या? ऐसे नहीं होता ना। आपने जो अभी अमूल का दूध बढ़ा 4 रुपया, मदर डेयरी का दूध, रोड, हर महीने में जो बजट होता है, साल में पहले एक बार बजट आता था, अब तो साल में 3 बार चीज़ें बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो क्या आम आदमी को उस पर देना नहीं पड़ता क्या? लेकिन किसान को 6000 रुपया जो देते हैं पीएम मोदी साहब, जिसका बहुत गुणगान करते हैं, उसमें बीमा भी देते हैं ऐसा कहते हैं। तो सही, बीमा का प्रीमियम कौन भरता है? किसान भरता है ना। और जब वो कहते हैं कि आपको और मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? जब बीज कंपनियों ने कहा कि हम बीज आपको दे रहे हैं, अब बीज मान लिया खराब मिल गया, किसान का वो उत्पादन नहीं हुआ, तो बीमा कंपनियों ने कहा कि जी बीज का हम रसीद नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे रसीद? सरकार ने क्या नीति बनाई? सरकार क्या पूरे देश में किसानों को जो प्रमाणित बीज है वो बेचती है? नहीं बेचती है। क्यों नहीं बेचती है? जब चीज क्वालिटी वाली मिलेगी नहीं और बीच में वो उत्पादन नहीं होगा तो सब्सिडी उसको क्या पूर्ति कर रही है? क्या ओला पड़ जाता है, गाय खा जाती है, भैंस खा जाती है, पशु खा जाता है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, उस पर कितनी सब्सिडी देती है? नहीं देती। अब रही बात 6000 रुपया देती है साल में और कितने 6000 ले लेती है। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे कि पहले पुआल से जो वेस्टेज था खेती का, वो कहते हैं कि आप जलाइए नहीं क्योंकि प्रदूषण होगा। तो जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज को जला करके लोग अपना खाना बनाते थे, आज से नहीं सदियों से बनाते थे। आपने उनमें एक नया इंटरवेंशन कर दिया कि जो उनका मौलिक तौर पे जो सस्टेनेबल था चीज़, उसको आपने
पैसा देके खरीदने शुरू कर दिया, आंखों में आंसू आ जाता है, अंधू हो जाते हैं, ये केवल स्लोगनबाजी, बात से कुछ नहीं काम होने वाला। और हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना, हिंदू राष्ट्र गया तेल लेने, आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू का क्या मतलब होता है? जो सारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो नागरिक नहीं है, नागरिकों का राष्ट्र है। हिंदू और मुसलमान की क्या बात है? अरे तो सबके तो डीएनए हिंदू ही है ना। डीएनए क्या है आपका? डीएनए जैसे हिंदू राष्ट्र का डीएनए टेने आपका, आपका डीएनए अलग आएगा हिंदू राष्ट्र का, मेरा अलग आएगा। आप करवा के देखिए, चलिए लेबोरेटरी में। ये फालतू बात आप लोग क्यों करते हो? आप लोग दिमाग में बात आती कहाँ से? आप अपना खून टेस्ट कराइए, मेरा भी खून टेस्ट कराइए, पॉजिटिव नेगेटिव जो आएगा वो आएगा ना। हिंदू राष्ट्र का खून अलग हो जाएगा, मुसलमान का अलग हो जाएगा। क्या बेकार की बेतुकी बातें करते हो आप? आज के पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करते हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। आदमी और औरत का भी खून टेस्ट अलग अलग नहीं होता कि आप आपका खून अलग हमारा खून अलग, उसमें रिपोर्ट में दो ही आएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से आपको खुशी नहीं मिलेगी? हिंदू राष्ट्र सवाल करते क्यों? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? सरकारें बोल रही है हिंदू राष्ट्र बनाना, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है हमारा देश। बोलती जनता नहीं पूछती, जनता ने तो चुना है ना। नहीं नहीं, जनता इसलिए थोड़ी चुना था, सबका था, सबका विकास के लिए चुना था, रोजगार के लिए चुना था, नौकरी के लिए चुना था, कारोबार के लिए चुना था, पीस तरीके से रहने का चुना था। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा फार्मूला है, हम सारे जगत को सारे दुनिया को एक मानते हैं। ये हिंदू राष्ट्र कहाँ से कंसेप्ट आ गया आपके दिमाग? क्योंकि आप लोग वहीं से लेते हो ये कंसेप्ट जो आपको अच्छा लगता है, जो सरकार को अच्छा लगता है। फिजूल की बात करना, काम की बात करो ना। भूख लगेगी तो आपको भी लगेगी, हमको भी लगेगी। रोजगार आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। शिक्षा आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। स्वास्थ्य आपको चाहिए, हमको चाहिए। ह्यूमन राइट आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब आता कहाँ से आपके दिमाग में? सरकार इस बात को लाती क्यों है? पूरे देश में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब इस राष्ट्र के निवासी हैं। कोई भाषा होगा, जात होगा, धर्म होगा, संप्रदाय होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं।